आने के पहले ही बदनाम ना हो जाओ तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? अगर तुमने ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो साइलेंट जैसे वीडियो तो ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? साइलेंट की इतनी फैन फॉलोइंग तो है कि तू ये भी करता तो भी बच्चे तुझे सपोर्ट करते। देखो जरूरी नहीं है, परिवार में दोनों बच्चे मां निकले, एक कुटिया भी होता है। तो मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं स्काई का छोटा भाई हूँ। आइए देखते मजा आएगा। तो देखो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि कम्युनिटी के अंदर भी क्या चल रहा है भाई, किसी को व्यू नहीं आ रहा तो किसी को भाई कंटेंट ना मिल रहा, तो भाई कंटेंट ना मिल रहा तो एक दूसरे को एक्सपोज किया जा रहा है भाई कि ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा वो स्कैम लड़ रहा है, स्कैम लंडे स्कैम। भाई क्या बताऊं यार, मैंने जो आज से कुछ दिन पहले मिस मार्च को एक्सपोज किया गया था, वो शिवा भाई गेमिंग टू टेक प्रो हर्स और एक टाइटेनियम ओपी, ये बैंक जो खुद आपस में लड़ रहे थे कि भाई जो है ना, समझ रहे हो तुम लोग तो देखी होंगे कंट्रोवर्सी जो हुआ था शिवा भाई और मिस मार्च गेमिंग के ऊपर। तो भाई मिस मार्च ने भी अपना हार नहीं माना, उसने शिवा को चैलेंज कर दिया कि भाई ये कंट्रोवर्सी मैं ही जीतूंगा भाई, और सेम ऐसा ही हुआ। मतलब वो जो शिवा भाई एक्सपोज किया था मिस मार्च को, उसने वो वीडियो को प्राइवेट कर लिया शिवा भाई। तो भाई तुम लोग उसके चैनल पर जाकर देखोगे तो वो वीडियो तुम्हें ना मिलेगा। तो भाई ऐसे ही अभी फ्री फायर कम्युनिटी में लौरे लहसुन वाला काम हो रहा है कि मतलब कोई किसी को एक्सपोज कर रहा है, कोई किसी को एक्सपोज कर रहा है भाई, किसी को कंटेंट ना मिल रहा तो भाई अपना मिस्टर इंडिया हैकर बन रहा है। जो अभी तुम लोग देखो एस गेमिंग हो गया, लोकेश गेमर और कुछ करके है जो भाई अपना ब्लॉग बना रहा है, मतलब कुछ भी हक रहा है मतलब चैनल पे। तो भाई चल ये रहा था कि शिवा भाई टाइटेनियम ओपी और ये टेक प्रो हर्स है ना, वो करके तीनों बंदा मिलकर मिस मार्च एक्सपोज किया था कि भाई ये मतलब अपने चैनल पे इसका ऑडियंस कम है तो अपने चैनल पे व्यू पाने के लिए वो, तो भाई ये टेक प्रो हर्स और ये शिवा भाई गेमिंग और टाइटेनियम ओपी का कहना था कि जो मिस मार्च है ना वो अपने ऑडियंस बढ़ाने के लिए स्काई लॉर्ड भाई के गिल्ड जो है उस पर आरोप लगा रहा था क्या उस गिल्ड के अंदर स्कैम चल रहा है। भाई ये उसने सही बोला था मिस मार्च ने कि भाई ये स्कैम कर रहा है, कुंदन 69 करके जो बंदा है वो गिल्ड के ऊपर स्कैम कर रहा है, मतलब समझ रहे हो भाई। वो बात सही निकला कि वो बंदा को किक कर दिया गया गिल्ड से, जो बंदा 2 साल से था भाई, स्काई लॉर्ड उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था कि बंदा सही था, लेकिन अभी स्काई लॉर्ड के जाने के बाद वो भी साला अपने कार पे आ गया, मतलब कुछ भी मतलब किया जा रहा था सब बंदे से पैसा लेकर, उसे गिल्ड में रखा डाल रहा था और स्कैम कर रहा था, कितनों का पैसा लेकर खा गया, बात समझ सकते हो। तो भाई ये टेक प्रो अर्स और ये शिवा भाई और टाइटेनियम ओपी तीनों मिलकर मिस मार्च को ही बोल रहा था कि भाई तू झूठ बोल रही है ऐसे वैसे, उसको ही रोस्ट कर दिया, बढ़िया से एक्सपोज कर दिया और डिस्कॉर्ड पे भी 40 मिनट तक उसके साथ बकचोदी की। लेकिन भाई तुमको पता ही है कि जो सत्य होता है उसका ही जीत होता है, मतलब मिस मार्च ने पूरा प्रूफ दिया उसको शिवा भाई को कि देखो ये कुंदन का व्हाट्सएप चैट है, पूरा व्हाट्सएप चैट निकाल कर उसको दे दिया और वो समझ गया बंदा कि भाई मिस मार्च सही बोल रही है, क्योंकि भाई उसमें 25 नवंबर ऐसे करके वो पूरा 15 दिन का व्हाट्सएप चैट था, मतलब समझ सकते हो कोई बंदा एक दिन दो दिन ऐसे करेगा 15 दिन तक चैट किया, वो तो झूठ ना हो सकता है ना। उसने अपना बोला है, मिस मार्च ने बोला कि भाई तू बोलेगा तो उसका नंबर भी दूंगा कुंदन का, मतलब जो भी ऑडियंस है स्काई लॉर्ड का उसको दिखाया कि देख 4 अंक के है इसके नंबर का जो है कुंदन 69 का, तो ऐसे प्रूफ हो गया कि कुंदन 69 स्कैमर है, उसने स्कैम किया स्काई लॉर्ड के गिल्ड में। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भोसरी वालों सुधर जाओ, मतलब तुम्हें ना बोल रहा हूँ ये जो एक्सपोज के एक्सपोज वीडियो बना रहे बिना मतलब विदाउट प्रूफ को व्यू पाने के लिए पैसा कमाने के लिए वेंचर, तो लाइक शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास।